तो दोस्तों आज की स्टोरी एक मोल के बारे में है जिसे अनजाने में एक मैजिकल बुक अपना कीपर चुन लेती है और यहाँ से शुरू होती है एक अमेजिंग जर्नी जहाँ उसे मोल टाउन को एक ह्यूमन गार्डनर से बचाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी लंदन के विंस्टर कैसल से शुरू होती है जहाँ हम क्वीन के रॉयल गार्डन को देखते हैं। पता चलता है कि कुछ टाइम से मोल्स ने इन्हें परेशान कर रखा है और रॉयल गार्डनर किसी भी तरह उन्हें पकड़ना चाहता था, जिसके लिए गार्डन में उसने हर जगह होल्स बनाए हुए थे। उसके पास एक बटरकप नाम का पेट डॉग भी है जिसे उसने मोल्स पकड़ने के लिए ट्रेन किया हुआ है। तभी वहाँ एक ट्रक आकर रुकता है जिसमें मोल्स को पकड़ने के लिए कुछ मशीन्स रखी हुई हैं और गार्डनर कहता है कि अब अपने प्लान को एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। फिर हम जमीन के नीचे बनी उन टनल्स को देखते हैं जो असल में मोल टाउन जाने का रास्ता है और टाउन के बीचों बीच रखी है एक मैजिकल बुक जो कि एक क्रिस्टल में कैद है। एक गार्ड दिन रात उसकी पहरेदारी करता है और फिर एक दिन अचानक वो बुक रिवाइव हो जाती है। इसी टाउन में रहता है मोली जो कि एक एम्बिशियस और इंटेलिजेंट मोल है, लेकिन उसके पेरेंट्स को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता और वो उसे निकम्मा और नकारा समझते थे। मोली टाउन में ही एक कैफे पर काम करता है और उसका क्रश है मोनालिसा जिसकी कैफे के सामने ही एक बूटिक शॉप है। उसके दोस्त उसे बहुत इनकरेज करते हैं लेकिन मोली आज तक उसे प्रपोज नहीं कर पाया क्योंकि उसे देखते ही वो नर्वस हो जाता था। मोनालिसा भी उसकी फीलिंग को अच्छे से समझती थी लेकिन चाहती थी कि प्रपोज करने के लिए पहल मोली की तरफ से हो। शाम को मोली उसे घर जाते हुए देखता है और तभी उसे मिलने मिस्टिक वहाँ आता है जो इस स्मॉल टाउन का लीडर भी था। वो मोनालिसा को इम्प्रेस करने में उसकी मदद करना चाहता था और कहता है कि तुम्हें उसे एक रोज गिफ्ट करना चाहिए, वो भी एक स्पेशल रोज जो सिर्फ क्वीन के गार्डन में ही उगता है। मोली को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि गार्डनर वैसे ही उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, लेकिन मिस्टिक कहता है कि मोनालिसा को इम्प्रेस करने का ये बहुत अच्छा मौका है और तुम्हें इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मोली बात मानकर ऊपर गार्डन में आता है जहाँ सिर्फ एक ही रोज फ्लावर था लेकिन वो भी ठंड के कारण सूख चुका था। तभी उसकी नज़र एक कैबिन पर जाती है जिसके अंदर एक हेल्दी रोज रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेने आगे बढ़ता है गार्डनर और उसका डॉग उसे देख लेते हैं। आगे का सीन मोल टाउन का है जहाँ जगह जगह से मोल आकर टाउन में इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि आज उनकी मैजिकल बुक अपना नया कीपर चुनने वाली है। मोनालिसा और मोली के पेरेंट्स भी वहाँ आए थे और सोचते हैं कि मोली इतना इम्पोर्टेंट ओकेजन कैसे मिस कर सकता है। तभी उनका लीडर मिस्टिक आगे आता है जिसके साथ दूसरे मोल टाउन के लीडर भी हैं और वो अनाउंस करता है कि ये हम सबके लिए एक स्पेशल डे है, अब दूर दूर से आए मोल्स अपनी स्किल्स दिखाएंगे ताकि मैजिकल बुक उन्हें अपना कीपर चुन सके। उधर मोली बचता हुआ उस कैबिन में आता है और देखता है कि रोज बिल्कुल उसके सामने ही है। अपनी कामयाबी से उसे बहुत खुशी होती है, वो इमेजिन करने लगता है कि अब वो मोनालिसा को आराम से इम्प्रेस कर लेगा और उसकी लव लाइफ शुरू हो जाएगी। यही सोचकर वो उस रोज को तोड़ लेता है और अब बस उसे यहाँ से बाहर निकलना था। वही गार्डनर और डॉग को भी उसके कैबिन में होने का पता चल गया था और भागने से पहले ही वो उस तक पहुँच जाते हैं। गार्डनर ने मोलस्किन के जूते पहने हुए थे जिसे देखकर मोली डर जाता है। फिर अचानक वो मोली पर अटैक कर देता है पर मोली किसी तरह बचता हुआ बाहर की ओर भागने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो फंस चुका है क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और तभी एक शेड देखकर वो उसके अंदर चला जाता है कि शायद यहाँ उसकी जान बच जाए। वो देखता है कि शेड में तो अलग अलग तरह की मशीन्स रखी हैं जिनका यूज पेस्ट कंट्रोल में होता है। तभी उसकी नज़र वहाँ टंगे एक ब्लैक बोर्ड पर जाती है जिस पर मोल्स को फ्लश आउट करने का मास्टर प्लान लिखा हुआ था और ये देखकर मोली डर जाता है। वो तुरंत इस बारे में अपने साथियों को बताना चाहता था लेकिन इससे पहले ही गार्डनर वहाँ आ जाता है और कहता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। मोली किसी तरह जान बचाकर फिर भाग निकलता है लेकिन देखता है कि होल के सामने तो वो डॉग बैठा हुआ है। डॉग उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है जहाँ एक जगह रोज के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते हैं। मोली रोज उठाकर वहाँ से निकलने की सोचता है पर तभी उसकी नज़र डॉग पर जाती है जिसके पैर में एक कांटा घुसा हुआ है। दया करके वो उसकी मदद करने जाता है और इससे उसके और डॉग के बीच दोस्ती हो जाती है। तभी वो गार्डनर को आते हुए देखता है जिसने ऑलमोस्ट उसे पकड़ ही लिया था लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर भाग निकलता है। इधर मोल टाउन में ऑडिशन शुरू हो चुका था जहाँ अलग अलग मोल्स अपनी स्किल्स प्रेजेंट करते हैं। इनमें से कोई साइंटिस्ट था, कोई डांसर तो कोई एथलीट, लेकिन किसी को देखकर बुक में कोई हलचल नहीं होती और मिस्टिक कहता है कि शायद हम में से कोई डिजर्विंग नहीं है। वही मोली फिसलता हुआ सीधा मोल टाउन की ओर आ रहा था पर एक जगह जमीन टूट जाती है और वो होल में बने एक पिलर से लटक जाता है।
मिस्टिक और बाकी लोगों ने भी उसे देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी कोई मदद कर पाए, मॉली उस पिलर के साथ नीचे गिर पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वो मैजिकल बुक उस मलबे से बाहर निकल आई है और ऑडियंस में इधर उधर उड़ने लगती है। फिर जल्दी ही मॉली बाहर आता है और उसके पेरेंट्स को लगता है कि आज उसने फिर से गड़बड़ कर दी। तभी वो मॉली के पास उस मैजिकल बुक को देखते हैं और मिस्टिक समझ जाता है कि बुक ने नया कीपर उसे ही चुना है। वो इस बारे में बाकी मॉस को भी बताता है कि मॉली ही वो स्पेशल वन है और ये सुनकर सारे मॉस खुश हो जाते हैं। उसके पेरेंट्स को भी उस पर प्राउड फील होता है, लेकिन मॉली के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। वो काउंसिल को गार्डनर के प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वो मॉल टाउन को फ्लश करने वाला है और ये सब उसने अपनी आंखों से देखा है। बाकी मॉल्स ये सुनकर डर जाते हैं, पर मिस्टिक कहता है कि तुम्हें इस बुक ने कुछ सोचकर ही चुना है और अब इस मुसीबत से हमें तुम ही बचाओगे। मॉली को कोई आइडिया नहीं था कि इस बुक को कैसे यूज करना है और तभी वो बुक उसे लेकर उसके रूम में आ जाती है। मॉली उस बुक का नाम मैनी रखता है और पूछता है कि आखिर इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकलेंगे। जवाब में वो बुक फ्लिप करने लगती है और तभी उसकी मोम आकर बताती है कि क्वीन ने तुम्हें अपनी रॉयल पार्टी में बुलाया है, जिसके लिए तुम्हें विंस्टर कैसल जाना होगा। पहले तो मॉली को बहुत हैरानी होती है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये सब इस मैजिकल बुक का काम है। फिर मैनी कपड़े चेंज करके उसे अपने साथ ले जाती है और मॉली देखता है कि वो तो मोनालिसा के बुटीक पर आ गए हैं। वहाँ वो पार्टी में चलने के लिए मोनालिसा को इनवाइट करता है और वो इसके लिए तैयार हो जाती है। मैनी मैजिक से उसे भी एक नई ड्रेस दे देती है और वो वहाँ से सीधा कैसल में आ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन मॉस को देखकर बहुत हैरान था, लेकिन मैनी के मैजिक के आगे कुछ नहीं कर पाता और वो दोनों कैसल के अंदर पहुँच जाते हैं। यही वो गार्डनर अपनी मशीन को इंस्टॉल कर रहा था कि तभी उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये मॉल्स आखिर कैसल तक भी पहुंच गए और वो कहता है कि मुझे इन्हें तुरंत रोकना होगा ताकि क्वीन खुश होकर मेरा प्रमोशन कर दे। उधर वो दोनों कैसल को देखकर बहुत हैरान थे कि क्वीन इतनी शानो शौकत से रहती है। मैनी ने भी सभी लोगों पर अपना मैजिक कर दिया था ताकि वो मॉल्स को देखकर कोई रिएक्शन ना दे और इसका फायदा उठाकर वो एंजॉय करने लगते हैं। फिर मॉली मोनालिसा को डांस के लिए ले जाता है, लेकिन क्वीन उन्हें देख लेती है और कहती है कि इन्हें बाहर निकालने के लिए गार्डनर को बुलाना होगा। ये सुनकर मॉली को अपना मिशन याद आता है कि वो भी तो यहाँ उस गार्डनर को ही रोकने आए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो इस बारे में क्वीन से कैसे बात करेगा, क्योंकि उसे तो इंसानों की भाषा बोलनी ही नहीं आती। ये सुनकर मैनी एक बार फिर फ्लिप करने लगती है और हम देखते हैं कि उसने वहाँ मौजूद हर इंसान को मॉल बना दिया है, जिनमें वो गेस्ट और खुद क्वीन भी शामिल है। लोग भी खुद को एक मॉल के रूप में देखकर डर जाते हैं और वहाँ हर तरफ भगदड़ मच जाती है। तभी उन्हें पकड़ने गार्डनर वहाँ आता है और जैसे ही वो दरवाजे को किक करता है, मैनी दरवाजे और दीवार के बीच में फंस जाती है। फिर गार्डनर अपने हैमर से उन पर अटैक करने लगता है और क्वीन सबको सामने रखे क्रिसमस ट्री पर चढ़ने को कहती है। एक जगह वो गार्डनर मोनालिसा को मारने ही वाला था, पर मॉली एंड टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और वो दोनों भी उछलकर उस ट्री पर जा पहुंचते हैं। गार्डनर अपनी वैक्यूम मशीन ऑन करता है, लेकिन देखता है कि अचानक उसमें कुछ खराबी आ गई है। क्वीन को लगता है कि काश इस वक्त उसके डॉग यहाँ पर होते तो वो इस गार्डनर को डराकर भगा सकते थे। ये सुनकर मॉली को उस डॉग की याद आती है जो अब उसका फ्रेंड बन चुका था। वो इशारे से उसे अपने पास आने को बोलता है और क्वीन से कहता है कि ये आपको आपके डॉग्स के पास ले जाएगा। मोनालिसा भी क्वीन के साथ जाने की सोचती है और मॉली कहता है कि तब तक मैं उस गार्डनर का ध्यान भटकाऊंगा और उन्हें अपने मिशन पर रवाना कर देता है। उधर गार्डनर ने अपनी वैक्यूम मशीन को चालू कर दिया था और वो सभी मॉल्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। फिर वो मशीन की सेटिंग को रिवर्स करता है, जिससे वो सभी मॉल्स को अंदर खींचने लगती है। मॉली एक गार्ड से सबको बाहर ले जाने को कहता है और खुद गार्डनर का ध्यान भटकाने की सोचता है, लेकिन उसे शायद वैक्यूम मशीन की पावर का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वो तेजी से उसे अपनी ओर खींचने लगती है। उसे लगता है कि वो शायद इससे नहीं बच पाएगा, पर तभी अपने डॉग्स के साथ क्वीन वहाँ आ जाती है और वो गार्डनर को नीचे गिरा देते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे और मॉली एक क्रिसमस बॉल से गार्डनर के मुँह को बंद कर देता है। मोनालिसा कहती है कि ये सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है और क्वीन भी मॉली की ब्रेवरी से बहुत इम्प्रेस थी। तब मॉली उसे गार्डनर के प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वो उनके अंडरग्राउंड टाउन को नष्ट करने वाला था और क्वीन उसे विश्वास दिलाती है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी। वो मॉली को उसकी ब्रेवरी के लिए सम्मानित करना चाहती थी, लेकिन तभी वो गार्डनर उठ खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपने रिमोट से उन मशीन को एक्टिवेट करने वाला हूँ।
मोली डरकर मैनी को आवाज लगाता है जो तुरंत आकर अपने मैजिक को रिवर्स कर देती है। इससे सारे गेस्ट वापस से इंसान बन जाते हैं, लेकिन गार्डनर एक मॉल में बदल जाता है जिसे वो डॉग डराकर वहाँ से भगा देते हैं। क्वीन एक बार फिर मोली से अपने पास आने को बोलती है ताकि उसे नाइटहुड के ऑनर से सम्मानित कर सके और कहती है कि आज से लोग तुम्हें मास्टर मोली कहकर बुलाएंगे। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और मोली भी मोनालिसा को लेकर वापस निकल जाता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।